बना बनाया खेल तो बिगड़ चुका है ईजा। सॉरी सरकार। क्यों चौंक गई आप कि मैं यहां क्या कर रही हूं? वैसे तो झूठ और फरेब के खेल में आप माहिर, इसलिए शायद आपको कोई गिला नहीं होगा कि मैंने आपको मैसेज करके धोखे से यहां क्यों बुलाया। फार्म हाउस पे जब आप और आपका वो आदमी कबीर को ढूंढने पहुंचे तो गलती से वो बेवकूफ आदमी अपना मोबाइल वहां भूल गया। उसी का सिम मैंने यूज कर लिया। ईजा मैं सॉरी सरकार, जो समझने की कोशिश मैं कर रही हूं वो ये है कि आज तक आपका असली चेहरा किसी ने देखा कैसे नहीं। एक मां जो खुद अपनी औलाद को मरवाना चाहे, उसकी खुशियां छीनना चाहे, उसका ये घिनौना रूप कभी किसी के सामने कैसे नहीं आया? हाँ, बेवकूफ लगूंगी मैं अगर मैं आपसे अब भी ये पूछूं कि क्या आपने ये सब उन 900 करोड़ रुपए के लिए किया? लेकिन फिर भी मैं आपके मुंह से वो यकीन नहीं आता। सच जानने के बावजूद भी मैं आपको आप कहकर बुला रही हूं। लेकिन क्या करूं, मैं आज भी कहीं ना कहीं दिल यही दुआ कर रहा है कि काश कि ये सपना हो, एक ऐसा सपना जो नींद तो उड़ा दे लेकिन सच कभी ना हो। माफ कर दीजिए मुझे परी, आप प्लीज किसी को यह मत बताइएगा कि मैंने कबीर को मारना चाहा, मैंने आपको मारना चाहा। प्लीज किसी को मत बताइएगा। वो एक्सीडेंट और उसके बाद कबीर पर, आप पर जो हमले हुए वो सारे मैंने करवाए थे। मैं कबूल करती हूं। इतना ही नहीं, लेकिन आपकी मां की मौत की जिम्मेदार भी मैं हूं। मेरी वजह से हुआ ये सब। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा परी, ये सब मैंने 900 करोड़ रुपए हासिल करने के लिए किया। माफ कर दीजिए मुझे। लेकिन परी आप ये किसी को मत बताइए, खास करके कबीर को मत बताइए कि उसकी माँ का असली रूप इतना घिनौना है। क्योंकि क्योंकि बेवकूफ लड़की सब पागल समझेंगे तुझे, हंसेंगे तुझ पर। सबूत क्या है तेरे पास? है सबूत? इसलिए इतराना बंद कर और देख कौन है तेरे सामने, देख किसे चुनौती दे रही है तू। समझ रही है? कबीर को 900 करोड़ रुपए देकर उसका डेथ वारंट साइन किया है। वो मरेगा ही, और तू कुछ नहीं कर पाया।
तमाशा देखते रहे। देख तुझे एक मैं सलाह देती हूँ तेरी भलाई के लिए, ये कबीर से कभी मत कहना, क्योंकि कबीर अपनी माँ पर अंधा विश्वास करता है और वैसे भी कुछ आखिरी दिन बचे हैं उसकी जिंदगी के, चैन से जीने देना उसे। और तू तो बीवी है उसकी, दुश्मन नहीं, नहीं ना? आपने बिल्कुल सही कहा, मैं उसकी दुश्मन नहीं, सुहाग है वो मेरी। इसलिए हर रोज माता रानी के सामने उसकी लंबी उम्र की दुआ करती हूँ, उसकी रक्षा करने का, उसे हर खतरे से बचाने का वचन लिया है मैंने। आंखों से बंधी हुई ये पट्टी मैं खोलूंगी, मैं तोड़ूंगी उसका अंधविश्वास, आपकी सच्चाई मैं लाऊंगी कबीर के साथ। बेटा तू क्यों बोल रही है इसमें, कबीर को जानती है ना तू? भगवान भी आकर उसे कहेगा ना कि तेरी माँ का असली रूप ऐसा है, तभी भी वो यकीन नहीं करेगा। और रही बात तेरी चुनौती की, तो सुन, इससे पहले कि मेरी असलियत कबीर के सामने आए, वो तुझे धक्के मारकर, बेइज्जत करके घर से बाहर निकालेगा। वादा रहा। समझ गई ना परी? अंजाम चाहे जो भी हो, मुझे कबीर को यह सच आज अब ही बताना होगा। सुकून से सो रहे हो, लेकिन पता नहीं जब तुम्हें ईजा की असलियत पता चलेगी तो उसके बाद कभी चैन से सो पाओगे भी या नहीं। जानती हूँ कि तुम टूट जाओगे, और ये भी जानती हूँ कि असलियत पता चलने के बाद शायद तुम्हारा दुनिया के हर रिश्ते से विश्वास उठ जाए, लेकिन ये कड़वा सच जानने में ही तुम्हारी भलाई है।
तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए मुझे ये दुख तुम्हें देना ही होगा कबीर। क्या हुआ परी, नींद नहीं आ रही है या फिर ये सोच रही है कि कबीर को उस नींद से कैसे जगाऊं जिसमें मैं उसे बचपन से सुलाती आई हूं। सोच, अच्छे से सोच ले, मैं कुछ नहीं भूलूंगी। लेकिन एक बात याद रखना, तू जिस घर में रह रही है ना वो मेरा घर है और मेरे घर में बिना मेरी मर्जी के कोई सांस भी नहीं ले सकता। लेकिन मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगी, तू जो चाहे कर ले, तू मेरी परी है ना। अगर तू सांस नहीं लेगी तो तू जिंदा नहीं बचेगी और अगर तू जिंदा नहीं बचेगी तो फिर खेल का मजा ही क्या है। हाँ परी, ये हो सकता है कि तू अपने पति को जगा सकती है लेकिन मेरे बेटे को कैसे जगाएगी? मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है। आज तक जो लाड़ प्यार उस पर लुटा रही हूं वैसे बेकार थोड़ी नहीं जाएगा और मां की ममता के आगे तो पत्नी का प्यार पानी भी नहीं मांगेगा। हाँ मैं तो सिर्फ बोल रही हूं लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा ये साबित कर देगा क्योंकि आज तक जो संस्कार मैंने उसे दिए हैं, जो उसूल सिखाए हैं वो कबीर भूल थोड़ी नहीं जाएगा। लेकिन परी तू ये मत सोच कि ये सब बोल के मैं तुझे डरा रही हूं, नहीं बिल्कुल नहीं, तू जो मन में आए कर ले, मैं तो सिर्फ तुझे आशीर्वाद देने आई हूं। यशस्वी भव। आप आई तो मुझे धमकाने थी लेकिन अनजाने में मेरी मदद करके चले गए। अगर मैंने कबीर को अभी सारी बात बता दी तो वो कभी मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, बिना सबूत के वो कभी नहीं मानेंगे। मुझे पहले ईजा के खिलाफ सबूत ढूंढने होंगे। कबीर, ये सुबह सुबह ये कहां चले गए? हवन? ओम गजाननम भूतगणाधिशेषनम भूतेम्बु फलचारु भक्षणम उमा सुतम सौख विनाशकार गमनम विघ्नेश्वर पादभंगम सर्वमंगलमांगल्ये श्रिये सर्वासाधिके शरणत्रयंके गौरी नारायणी नमस्ते। आइए परी, अभी का इंतजार कर रहे थे हम।
देखिए घर में सुख शांति के लिए शांति हवन करवा रहे, ताकि घर से सारी बलाएं टल जाए। आइए। रुकिए, आप कबीर के साथ नहीं बैठ सकते। घर के लिए शांति पूजा थी तो मैंने घर के सभी सदस्यों की कुंडलियां देखी और कुंडलियों के अनुसार इस घर के ऊपर आजकल जो भी समस्या है उनका कारण है कि आपके और कबीर के कुछ ग्रह नहीं मिलते हैं और उसका असर सीधे कबीर के ऊपर पड़ रहा है। आप इनकी पत्नी हैं, इसलिए आपके घर में इतनी सारी अप्रिय घटनाएं घट रही हैं। पंडित जी, अगर समस्या है तो समाधान तो होगा ही, आप कुछ उपाय बता दीजिए ताकि मेरे बच्चों के सर से बला टल जाए। एक उपाय है, कबीर और आदिति को 7 दिनों तक एक दूसरे से अलग रहना होगा। इन 7 दिनों में किसी भी तरह का संपर्क नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से फोन पर भी बात नहीं कर सकते। कबीर, आप दोनों की मुझे बहुत चिंता हो रही है। देखिए जैसा पंडित जी कह रहे हैं वैसा कर दीजिए, बस 7 दिनों की तो बात है, लेकिन अगर आपका दिल मेरी चिंताएं समझ सकता है तो ही आप ऐसा कीजिए। ईजा, आपको तो पता है मैं इन अंधविश्वासों को नहीं मानता, और फिर मेरे और अदिति के ना बात करने से मुसीबतें कैसे टल जाएंगी? अलग अलग रहने से किस बात का फायदा पहुंचेगा? मैं ऐसी धके अनुसी बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन मुझे पता ही जा कि आप इस पर विश्वास करती हैं, और अगर आप समझती हैं कि इन बातों से मुसीबतें टल जाएंगी, सबका भला हो जाएगा और घर में शांति आएगी और आप खुश हो जाएंगी, तो मुझे ऐसा करने में कोई एतराज नहीं। के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। मैं आपकी कसम खाता हूं ईजा, इन 7 दिनों में मैं आदिति से किसी तरह की कोई बात नहीं करूंगा।